नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जमीन खरीद बिक्री को लेकर जून अंत तक शुरू होगी नई व्यवस्था। बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल की जांच के लिए पहुंची IIT दिल्ली की टीम। विश्वविद्यालयों को 7 दिनों में देना होगा अनुदान भुगतान का ब्यौरा। विराट कोहली ने इस खिलाड़ी को बताया मौजूदा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बैटर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जमीन खरीद बिक्री को लेकर जून अंत तक शुरू होगी नई व्यवस्था। बिहार में जमीन खरीद बिक्री मामले में किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए अब आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल यह व्यवस्था पटना सदर, दानापुर और पटना सिटी के निबंधन कार्यालयों में शुरू किया गया है, लेकिन जून के अंत तक राज्य के सभी 137 निबंधन कार्यालयों में इसकी व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि अगर यह नियम सभी जगह लागू हो जाता है तो किसी व्यक्ति के नाम पर कितने जमीन मकान है यह छिपाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आधार नंबर के जरिए इसका पूरा डेटा सरकार के पास रहेगी। मालूम हो कि इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा निबंधन में बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था। बालासोर रेल हादसे में अब तक इतने बिहारियों की गई जान। बीते शुक्रवार की शाम को हुई ओडिशा के बालासोर में भयावह रेल दुर्घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। मालूम हो कि इस हादसे में 270 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। वहीं अगर हम बिहार वासियों की बात करें तो जिन्होंने इस रेल हादसे में अपनी जान गंवा दी है, तो मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 45 से अधिक बिहार के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं 50 लोग से अधिक के घायल होने की बात कही जा रही है। वहीं 18 से अधिक लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, यानी कि उनकी कोई सूचना नहीं मिल रही है। हालांकि इन सभी आंकड़ों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिन भी राज्य के अलग अलग जिलों के लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहाँ के गाँव में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सेफ्टी टेस्ट शुरू। बहुत जल्द ही बिहार वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि चेन्नई से 8 कोच वाली वंदे भारत का रैक पटना पहुंच चुका है और अब बहुत जल्द ही इसका ट्रायल भी किया जा रहा है और ट्रेन के संचालन की शुरुआत कर दी जाएगी। मालूम हो कि इसके लिए रूट का सुरक्षा ऑडिट यानी कि सेफ्टी टेस्ट शुरू हो गया है। वहीं इस हफ्ते 2 रेल मंडलों के सुरक्षा कोटि के शीर्ष अधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ट्रेन की सुरक्षा की जांच की जाएगी, ताकि इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस कार्य पीट संख्या 5 पर किया जाएगा और फिलहाल यह देखा जा रहा है कि चेन्नई से पटना तक रैक लाने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव आया है या नहीं। इसके बाद विभिन्न कर्मचारियों को 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर। सारण जिला प्रशासन व भू स्वामियों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद भारत के सबसे लंबे और बिहार के सब पहले डबल डेकर के निर्माण से असुरक्षित भूमि संबंधित समस्या को हल कर लिया गया है। बता दें कि अब सरकार के द्वारा डबल डेकर निर्माण में उपयोग की जाने वाली भू स्वामियों की जमीन लीज पर अधिग्रहण करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पुल के निर्माण का मामला कोर्ट में होने के कारण बाधित था, लेकिन अब यह शुरू हो गया है। मालूम हो कि इस डबल डेकर की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। वहीं इसका निर्माण कार्य वर्ष 2018 में 7 जून को होना था और इसके कार्य का शुभारंभ जनवरी वर्ष 2019 में हुई। बता दें कि इस पुल के निर्माण में कुल लागत 370.6 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। वहीं अब इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि को विस्तार करके फरवरी 2024 कर दिया गया है। मालूम हो कि अब तक 50% कार्य पूरा हो चुका है। बिहार के गया में रोजगार शिविर का आयोजन। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के गया बोधगया रोड में केंदुई स्थित अवर प्रादेशिक न्यूज नाले में एक्सजेंट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा 62 पदों के लिए 9 जून को सुबह के 10 बजे से एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उनके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और BBA की योग्यता होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी CV के साथ उपरोक्त रोजगार शिविर में भाग ले सकते हैं। हालांकि इस शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले NCL पोर्टल पर निबंधित करना होगा। मालूम हो कि शिविर की सारी प्रक्रियाएं निःशुल्क हैं।
सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल की जांच के लिए पहुंची आईआईटी दिल्ली की टीम। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद बिहार सरकार आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट के अध्ययन में जुट गई है। बता दें कि बहुत जल्द ही इस रिपोर्ट के आधार पर विचार विमर्श करने के बाद बिहार सरकार अपना अगला कदम उठाएगी। मालूम हो कि इस बारे में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा कहा गया है कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही इस मामले पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ली जाएगी। इसके साथ ही पुल की जांच के लिए बीते दिन और आज सुबह आईआईटी दिल्ली की दो टीम पहुंच चुकी है। वहीं अब दोनों टीमें पुल निर्माण निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी और फिर टीम अगवानी के लिए प्रस्थान कर जाएगी, जहां टीम के द्वारा पुल के सैंपल को जमा किया जाएगा और फिर इसे लैबोरेट्री में भेजा जाएगा और यह पता किया जाएगा कि इसके निर्माण में निर्धारित मानकों को पूरा किया गया था या नहीं। सिख समुदाय के विरोध के बाद शॉपिंग मॉल से हटाई गई गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति। बिहार की राजधानी पटना के एक शॉपिंग मॉल में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति को सिख समुदाय के द्वारा किए गए हंगामे के बाद अब हटा दिया गया है। मालूम हो कि इस मूर्ति को लेकर देश के कई राज्यों में मौजूद सिख समुदाय के नेताओं और लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई थी, कि जिसके बाद विवाद को बढ़ते देख मॉल प्रबंधन के द्वारा मूर्ति को हटा दिया गया है। दरअसल सिख समुदाय के लोगों का कहना था कि उनके धर्म के मूर्ति पूजा वर्जित है, ऐसे में मूर्ति लगाकर उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया गया है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए कहा गया कि यह कदम सिख धर्म को कमजोर करने की कोशिश है और जानबूझकर सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर 8 हॉटस्पॉट जिले में चलेगा विशेष अभियान। बिहार के वैसे 8 जिले जहां मादक पदार्थों के मामले में हॉटस्पॉट है, वहां इन सभी मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत इन जिलों में विभिन्न एजेंसियों की मदद से छापेमारी की जाएगी और साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार जिन 8 हॉटस्पॉट जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। मालूम हो कि यह सभी जिले नेपाल से सटे हैं। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना जिले के फतुहा नदी थाना स्थित जेठुली, भोजपुर के उद्वंत नगर थाना अंतर्गत मसाड और वैशाली के राघोपुर क्षेत्र को भी हॉटस्पॉट में चिन्हित किया गया है। विश्वविद्यालयों को 7 दिनों में देना होगा अनुदान भुगतान का ब्यौरा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा राज्य के 8 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया गया है। वे सभी अनुदानित डिग्री कॉलेजों को दिए गए अनुदान के खर्च का ब्यौरा 7 दिनों के अंदर उपलब्ध करवाने की बात कही है। बता दें कि विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र में यह साफ कर दिया गया है कि अनुदानित डिग्री कॉलेजों द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है और कितनी बची हुई है इसकी रिपोर्ट दे। मालूम हो कि यह रिपोर्ट विभाग की ओर से 17 मई 2023 तक देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने यह रिपोर्ट विभाग को नहीं सौंपी है। बता दें कि विभाग की ओर से राज्य के जिन 8 विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है उसमें मगध, वीर कुंवर सिंह, BRA आम्बेडकर, जयप्रकाश ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, BN मंडल, तिलका मांझी भागलपुर और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल है। ड्रोन ऑपरेशन पर हर महीने 1 करोड़ रुपए का खर्च। बिहार में शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस कोशिश के तहत दियारा क्षेत्रों में देशी शराब बनाने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की सेवा ली जा रही है, जिसके तहत गंगा किनारे के कई जिलों में 12 कंपनियों के 49 ड्रोन में हॉवरिंग कर रहे हैं, जिसमें विभाग की ओर से ड्रोन ऑपरेशन पर हर महीने करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मालूम हो कि ड्रोन के माध्यम से पूरे राज्य भर में कुल 45,756 छापेमारी की गई है, जिसमें से अब तक 1,872 अभियोग दर्ज किए गए हैं। इस बारे में विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ड्रोन से मिली सूचना के आधार पर की जा रही छापेमारी की सफलता दर काफी अच्छी है। पटना के सतीश सिंह लंदन की संसद में हुए सम्मानित। बिहार की राजधानी पटना निवासी पेशे से बैंकर, वरिष्ठ स्तंभकार, कथाकार, कवि और गीतकार सतीश सिंह को लंदन की संसद में आयोजित हुए यूके और हिंदी अकादमी मुंबई की ओर से साहित्य के माध्यम से भारत और इंग्लैंड के बीच सेतु निर्माण कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। बता दें कि सतीश सिंह की समसामयिक आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर हिंदी एवं अंग्रेजी में 2000 से अधिक लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ ही उनकी 500 से अधिक कविताएं एवं गजलें और 3 दर्जन से अधिक कहानियां विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। मालूम हो कि अब तक उन्हें 1 दर्जन से अधिक पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
पत्नी और बेटी के साथ पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे तेजस्वी यादव। 23 जून को होने वाले विपक्षी एकता की बैठक से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा एक बड़ी बात कह दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी बैठक से भाजपा डरी हुई है, विपक्षी एकता से बीजेपी को बुखार लगा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हार तय है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह सभी बातें तेजस्वी यादव के द्वारा तब बोली गई जब वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बच्चे का पहचान पत्र बनवाने आए हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र दिया हुआ है तो उसी को लेकर यहाँ आए थे। मेरा अपना खुद का नहीं बल्कि बच्चे का काम था क्योंकि मेरा पासपोर्ट तो कोर्ट में जमा है। देवगौड़ा ने नीतीश की विपक्षी बैठक से बनाई दूरी। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। लेकिन वहीं अब इस बैठक से देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के द्वारा दूरी बना ली गई है। दरअसल उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे इस प्रयास पर अपना बयान देते हुए कहा कि मुझे कोई ऐसी पार्टी बताइए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से ना जुड़ी हो। अगर पूरे देश में ऐसी कोई एक पार्टी मिल जाए तो फिर मैं जवाब दूंगा। मालूम हो कि उनके इस बयान से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पहले भाजपा के साथ काम करने के बाद अब दिखावे के लिए उनके विरुद्ध बैठक बुलाई गई है। विराट कोहली ने इस खिलाड़ी को बताया मौजूदा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बैटर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को मौजूदा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बैटर करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ इस पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज हैं। उन्होंने यह करके दिखाया है। स्थितियों में खुद को ढालने की उनकी क्षमता शानदार है। आप इस पीढ़ी के किसी भी क्रिकेटर को ले लीजिए, हर कोई उनके रिकॉर्ड से वाकिफ है। 85 से 90 टेस्ट में स्मिथ की औसत 60 की रही है जो कि अविश्वसनीय है। जिस निरंतरता और प्रभाव के साथ वो रन बनाते हैं, मैंने ऐसा कोई टेस्ट खिलाड़ी पिछले 10 साल में नहीं देखा है। उनकी शैली और सुधार को श्रेय मिलता है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107 रुपये 24 पैसे और डीजल 94 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 95 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 94 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर है जबकि डीजल 95 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट आज सबसे ज़्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 96 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नौशाद अंसारी, बाबूलाल मरांडी, मुटु नंगीला, अजीत पोरस, आदित्य कुमार, उमेश ऋषिदेव, चंदेश्वर सिंह, रवि कुमार राम, कन्हैया कुमार, कुमारी संजना अहमद, राजकिशोर महतो, कुश कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार मैच में भारत के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए क्या रोहित शर्मा का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला गलत था या फिर सही। अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर।